देख रहे हैं एएम न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम 24 खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। पश्चिम बंगाल में हो रही भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की चर्चा, दिल्ली में गैर भाजपा नेताओं से जल्द मिलेगी ममता। पश्चिम बंगाल के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 के कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए अनिल थापा। अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, पहले के मुकाबले हो सकती है हल्की, हालांकि सतर्क रहने की है जरूरत। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 38,949 नए केस आए सामने, वही 542 लोगों ने गवाई जान। पीएम मोदी ने चेताया, काबू में नहीं हुआ कोरोना तो बढ़ेंगे नए वेरिएंट, भयावह होगी हालत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने लिया बड़ा एक्शन, देशमुख व उनकी पत्नी के नाम 4,20,00,000 रुपए की संपत्ति की अटैच। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बने राज्यसभा में सदन के नेता, मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। जम्मू कश्मीर के 2 जगहों पर रात में देखे गए ड्रोन, एनएसजी के रडार ने पकड़ा। असम सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य में एंट्री के लिए कोरोना की दोनों डोज सर्टिफिकेट के बाद भी चाहिए होगी नेगेटिव रिपोर्ट। बाबा रामदेव के पतंजलि रिसर्च ट्रस्ट को मिली छूट, दिए गए डोनेशन को 5 साल के लिए टैक्स फ्री बनाया गया। कांवड़ियों पर सख्त उत्तराखंड पुलिस, 24 जुलाई से सील होगा हरिद्वार बॉर्डर। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय इंटरनेशनल मीडिया के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि नहीं देनी चाहिए भारत को मौजूदा काबू प्रशासन को किसी तरह की सैन्य सहायता। जमानत पर बाहर मेहुल चौकसी ने छोड़ा डोमिनिका, वकील का कहना है कि अब एंटीगुआ में होगी कानूनी लड़ाई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को पड़ोसी राज्य रायबरेली में बनाया गया जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति का अध्यक्ष। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई, पता चले कि 3 दिन पहले ही उन्होंने बचने पर ट्वीट किया था कि लकी हूं जो बच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी रोक को हटाने का लिया फैसला, 1 जुलाई से केंद्र के कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 28% होगा। हरियाणा में डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 100 किसानों के खिलाफ किया राजद्रोह का केस दर्ज। 2 बच्चों के कानून की पैरवी कर रही बीजेपी के करीब 50% विधायकों के हैं 3 से लेकर 8 बच्चे। देशद्रोह कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, सीजेआई ने लगाया फटकार की आजादी के 75 साल बाद भी यह कानून है जरूरी। 15 मई से 15 जून के बीच 20 लाख से अधिक भारतीयों के अकाउंट पर व्हाट्सएप ने लगाया बैन। एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी का हार्ट अटैक से हुआ निधन, बालिका वधू और बधाई हो में निभाया था यादगार किरदार। कई बॉलीवुड सितारों से भी ज्यादा कमाते हैं सलमान के बॉडीगार्ड शेरा, 15 लाख रुपए मिलती है तनख्वाह। T20 वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में है भारत और पाकिस्तान, अक्टूबर नवंबर में होगा टूर्नामेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको एक वायरल वीडियो के साथ, देखिए और आनंद लीजिए। शुभ रात्रि। मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बना कि मैं खुद बेदर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म चल साथ तेरे, नाम मेरा जय की धारा।